देखिए डैडी, मुझे एक मार्बल मिला। क्या सच में बेटा? हाँ, ये बिल्कुल हीरे की तरह प्यारा और चमकदार है। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। पर हीरा कीमती होता है और ये तो एकदम बेकार है। ऐसा क्यों डैडी? लाइफ सच में कितनी अजीब है ना डैडी। इम्पॉसिबल सेलिब्रिटी निंजा आर्ट मनी स्टाइल जुत्सु। मजाक नहीं, आप बात कर रही हैं। शांत हो गए तुम? ठीक है, सॉरी, मैं भावना में बह गया था, अब मैं ठीक हूँ। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है और सिर्फ तुम ही इस मिशन को पूरा कर सकते हो, समझे? ओह फाइनली, मुझे ऐसा मिशन दिया जा रहा है जिसमें मैं अपनी काबिलियत दिखा सकता हूँ। मुझे कब से इस पल का इंतजार था। इस वीआईपी का बॉडीगार्ड बनूंगा। तुम एक सेकंड के लिए चुप रहोगे और मेरी बात सुनोगे? ठीक है, सॉरी, चुप रहूंगा। तुम्हें अभी अपने मिशन के बारे में जानना है या नहीं? शिज़ुने। जी माय लेडी। क्लाइंट का नाम है कुनिजिरो, मेरे पुराने दोस्त हैं। शुरू में उनके पास कुछ नहीं था, पर उन्होंने खुद को सबसे अमीर और एक कामयाब जेम डीलर बनाया। तो ये अंकल असल में आपके पुराने दोस्त हैं? बिल्कुल सही, पर तुम्हारा मिशन इनके लिए नहीं है। तुम्हें इनके इकलौते बेटे और वारिस कुनिहिसा का ध्यान रखना है। वो इतनी बड़ी मिल्कियत का वारिस है। डैडी, ये सब असली निंजा है? हाँ, ये सब एकदम असली है कुनिहिसा। और ये और ये और ये और ये? हाँ बेटा, ये सब भी असली है। इतने सारे निंजा एक साथ पहले कभी नहीं देखे। चलो, मैं तैयार हूँ। मैं इस मिशन पे अपना 100% दूंगा। मैं ये मिशन करूंगा और वादा करता हूँ आपको निराश नहीं करूंगा। कब से शुरू करें? कहाँ है वो लड़का? अंदर आ जाओ। तुम सच में एक निंजा हो? मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से तुमने ये सवाल पूछा। तो वो तुम ही हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं ना अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ बस एक दिन के लिए निंजा बन जाए? मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। क्या आपने कहा ये एक दिन के लिए निंजा बनना चाहता है? ये निंजास का फैन है, इसे और कुछ नहीं सोचता। 24 घंटे बस निंजा 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 बोलता रहता है। मुझे लगा था मुझे किसी बड़े वीआईपी का बॉडीगार्ड बनना होगा। अब ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें किसी वीआईपी का बॉडीगार्ड बनना है। तो आपने मुझे चूना लगा दिया। बस बहुत हुआ नारुतो, तुम आज इसके साथ निंजा निंजा खेलोगे। अरे यार, ये मेरे दादी की होता है। और सिर्फ ये ही मिशन पूरा नहीं करना है, तुम्हें अपने रेगुलर मिशन भी पूरे करने होंगे। बच्चे पे रहम करो ग्रैंडमा। आप मेरे दादी ऐसा क्यों करती है? क्यों? तालाब की सफाई करनी है, ब्रिज रिपेयर करना है, एक जानवर को पकड़ना है और फिर ये। इन सब बेकार मिशन के बीच इस पिग्गे को भी मुझे संभालना होगा। हम निंजा खेलना कब स्टार्ट करेंगे? ध्यान से देखना कुनिहिसा, मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाऊंगा जो सिर्फ हम निंजा करना जानते हैं। बहुत बढ़िया नारुतो, बहुत बढ़िया। एक निंजा होना मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़े काम करने हैं। अगर तुम्हें निंजा बनना है तो इस पॉन्ड को साफ करने में मेरी मदद करो। ठीक है, अभी करता हूँ। ये पॉन्ड सेफ नहीं है, हो सकता है तुम कहीं फंस जाओ और निकल ही ना पाओ। तो तुम किनारे पर ही रहो, ठीक है? अंदर मत आना, समझ गए? सॉरी, मैंने नहीं सुना। ठीक है, तुम हिलना मत, जहाँ हो वही रुको, मैं तुम्हें अभी निकाल दूंगा। मत करो, मैं संभाल लूंगा। क्या मतलब तुम संभाल लोगे? मुझे एक निंजुत्सु करना आता है। निंजुत्सु आता है? इसका मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल ओनली यस निंजा आर्ट। मेरी मदद करो जुत्सु। ये क्या? पैसा पैसा ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग पानी में क्या कर रहे हो? लगता है मुझे अपने निंजुत्सु का पावर बढ़ाना पड़ेगा। इसे कहते हैं गमी बाप की बिगड़ी हुई औलाद। एक बात बताओ कुनिहिसा। हाँ? ये काले सूट बूट वाले गुंडे कौन है? तुम इन पे ध्यान मत दो, ये वो लोग हैं जिन्हें डैडी ने मेरा ध्यान रखने के लिए काम पे रखा है ताकि मुझे कभी भी किसी किस्म की तकलीफ ना हो। रुको, मैं तुम्हें अभी नमूना दिखाता हूँ। देखा, ये क्या बदाम चल रहा है? तुम्हें यकीन है ये सेफ है? हाँ हाँ, ये सेफ है। तुम्हें पक्का यकीन है ये सेफ है? मैं इस पर खड़ा हुआ हूँ ना, कमान, ये सेफ है, यकीन करो। अगर मैं चलते चलते ये टूट गया तो? मैंने कहा ना ये सेफ है। बार बार पूछना बंद करो, चुप कर जाओ। ठीक है ठीक है, पर पहले मुझे एक बार इसे चेक करना होगा। निंजा आर्ट सब्स्टिट्यूशन जुत्सु। हो गई तसल्ली, अब आगे बढ़ो, चलो यहाँ से।
कहा अगर मेरे वजन से ब्रिज टूट गया तो? चलो एक बार और चेक करते हैं। मुझे अभी यकीन नहीं हुआ, एक बार और करते हैं। देखा, ये सेफ नहीं था। अगर तुम वो नहीं करते तो ब्रिज अब भी सही सलामत होता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जब ब्रिज टूटा तो मैं उस पर नहीं था। देखो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जेंटलमैन, तुम सबको एक बड़ी टिप मिलनी चाहिए। लो इसे पकड़ो। मैंने तुमसे कहा था ना, बस भी करो। ये नोट तो ऐसे फेंक रहा है जैसे इसके बाप की 10 फैक्ट्रियां हैं। हाँ, और अभी उसके पास एक ही गेंद है। क्या कहते हो दोस्त, थोड़ा रोकड़ा छापे? हाँ। तो अब क्या करना है? मुझे एक जानवर को पकड़ना है जो यहाँ आसपास के किसानों को तंग कर रहा है। टेंशन मत लो, मैं अपने जुत्सों से उसे पकड़ लूंगा। अब ये क्या है? मुझे इसे पकड़ना है। ये तो हाथी के साइज का है। पीछे रहो। शैडो क्लोन जुत्सु। वाह, क्या बात है। बस बहुत हुआ, तुम्हारा सामना मुझसे है। नहीं, तुम उसे दूर आओ। तुम्हें पता नहीं तुम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। आज के बाद तुम यहाँ कभी किसी को परेशान नहीं कर पाओगे। चले जाओ, उसे छोड़ना मत, थोड़ा रोक दे। आप नहीं बचोगे, मेरे क्लोन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारा कचूमर बना देंगे। मुझे लगता है तुम्हारे पास पैसे ज्यादा नहीं है। सही कहा ना, मैंने देखा है गरीब लोगों को अक्सर गुस्सा बहुत आता है। ये सब तुम्हारे लिए है, इसे लेकर तुम्हारा मूड फिर से अच्छा हो जाएगा। इसे हटाओ मेरे सामने से। मैंने तुमसे कहा था ये सब करना बंद करो। पर क्यों? तुम हर बार पैसे फेंक कर अपनी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकते। हर बार पैसों से सब कुछ नहीं होता, कभी कभी चीजें खुद भी करनी पड़ती है। अगर मैं तुम्हारी तरह गरीब होता तो इन बातों को सच मान लेता। क्या तुम हमेशा ही ऐसी बातें करते हो? ऐसे एटीट्यूड से आखिर तुम्हारे दोस्त कैसे बनते हैं? क्योंकि इसकी मदद से सब आसान हो जाता है। तो तुम कह रहे हो कि तुम पैसों के दम पर अपने दोस्त बनाते हो? हाँ, और जब वो चला जाता है तो दूसरा खरीद लेता हूँ। बरकुनीसा, इसीलिए मुझे किसी छोटे विलेज के निंजा से नहीं मिलना था। तुम नहीं समझोगे, तुम बहुत गरीब हो और बेवकूफ भी। रुकिए, बरकुनीसा, आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज रुक जाइए। भाग दौड़ करने से मुझे भूख लग गई है। जाओ मेरे लिए बढ़िया सा लंच लेकर आओ। पर सर, यहाँ दूर दूर तक कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है। ठीक है, तो कोई स्नैक ले आओ। माफ कीजिए पर यहाँ आसपास कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, इसीलिए मुझे विलेज में आना बिल्कुल पसंद नहीं। नारुतो कितना बेवकूफ है। ये कैसी महक है। सर प्लीज रुकिए। देखो, किसी ने यहाँ मछली पकाई है। वो इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। मछली खाने में एक सेकंड नहीं लगाया, जितना अमीर है उतना भुक्कड़ भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाओ, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। तुम मजे से खा रहे थे, तुम्हें पता भी नहीं चला वो गुंडे कब आ गए। मुझे एक बार फिर से किडनैप किया जा रहा था। क्या मतलब फिर से? ये सब अक्सर होता रहता है क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। होता रहता है, ऐसा कितनी बार हुआ है? कई बार। ये सब छोड़ो, बताओ कि आसपास कोई दुकान है क्या? खाने के लिए कुछ और चाहिए। यकीन नहीं होता, तुमने ये मान लिया है कि पैसे से हर परेशानी का हल निकल जाता है। हा? अच्छा तो ठीक है, अब तुम ये देखो। वाह, ये तो कमाल का था नारुतो। देखा तुमने, ये ऐसी चीज है जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी रकम नहीं खरीद सकती, इसे खुद हासिल करना पड़ता है। इसे दुनिया की बड़ी रकम भी नहीं खरीद सकती? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने पीछे से आकर हम दोनों पर हमला कर दिया, अगली बार उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इतना गुस्सा ठीक नहीं, हमें एक प्लान बनाना चाहिए वरना हमारी फिर से बुराई हो जाएगी। तुम्हारे पास कोई प्लान है? वो हमारे ठीक सामने है। सच में? उसे ध्यान से देखो, उसकी हर मूवमेंट को समझो और जैसे ही वो जंप करे तुरंत उस पर निशाना लगाओ।
नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोशिश अच्छी थी। मुझे एक बार और कोशिश करने दो, ठीक है? कुनाई नाइफ की टेंशन मतलब से मैं ले आता हूँ। मास्टर कुनिहिसा, संभल कर चलिए, पानी गहरा है। ध्यान से चलिए सर। हाँ ठीक है, पता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ। ओ, वो नाइफ कहाँ गई? मुझे लगता है वो यहीं पर होगी। इस बार तुम नहीं बचोगे बच्चे। मेरे लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे फेंके हुए पैसों से हमने तुम्हारे ही लोगों को खरीद लिया। ये अब तुम्हारे लोग नहीं, अब ये हमारे साथ हैं। मेरी बात सुनो, मैं इनसे ज्यादा पैसे दूंगा। ये तुम्हें जितने पैसे दे रहे हैं मैं उसका डबल दूंगा। अरे नहीं, पैसे तो खत्म हो गए। क्या बात है, पैसे खत्म हो गए क्या? तो अब तुम दोनों का क्या सोचना है? क्या तुम दोनों हमारी टीम में आओगे? हमारे साथ आओगे तो तुम्हें भी मालामाल कर देंगे। इससे कुछ नहीं होगा, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। थोड़े से पैसों के लिए मुझे धोखा नहीं देंगे। हम तुम्हारे लिए काम करके कभी खुश नहीं थे बेवकूफ लड़के। तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। बस करो, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। मुंह बंद रखो बेवकूफ लड़के, तुम जितना कम शोर करोगे ये उतना ही आसान होगा। तुम ठीक हो? नारुतो, मुझे लगा कि अब मैं। फिक्र मत करो, सब ठीक है। हे तुम, तुम्हें इस मिशन के जो पैसे मिल रहे हैं हम तुम्हें इसका डबल देंगे। बस उस लड़के को तुम हमें सौंप दो, क्या कहते हो? बिल्कुल, और फिक्र मत करो, इस लड़के को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस इसके बाप से पैसे लेंगे तो हमारे प्लान में हमारा साथ दोगे? क्या हुआ, और पैसे चाहिए? ये लो, हम तुम्हें तीन गुना देंगे। नारुतो, जल्दी मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। ठीक है। क्या तीन गुना भी काफी नहीं है? तो एक काम करो, ये सारे पैसे तुम्हें रख लो, रख लो। तुम लोग कभी नहीं समझोगे। हाँ? कभी नहीं समझ पाओगे कि कुछ चीजों को कभी खरीदा नहीं जा सकता है। ओ अच्छा, जाओ पकड़ो उसे। मुझे कस के पकड़ लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। अरे नहीं, इसे पीठ पर लादे मैं तेज नहीं दौड़ पाऊंगा। ये खाई तो बहुत गहरी है। हाया! अब जल्दी करो, पहले तुम उस तरफ जाओ, ठीक है? क्या, पहले मैं? अरे तुम किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी से कूदो। मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है नारुतो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो जाओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। आगे मत बढ़ना। पकड़ो उसे नारुतो। तुम मेरे साथ चलोगे चिथुंदर? कूदो कुनिहिसा, इससे नहीं होगा। तुम कर सकते हो, इतना मत सोचो, अब चलो जल्दी से कूद जाओ। तुम कहीं नहीं जा पाओगे। क्या बात है, तुमने कर दिखाया। बड़े भैया ठीक तो हो ना? हे, तुम ठीक तो हो ना? मैं इन सबको निपटा कर तुमसे जल्दी मिलता हूँ, तुम वहीं इंतजार करो। हाँ, मैं यही रहूंगा। नारुतो, जल्दी करो, पहाड़ टूटने वाला है। क्या तुम सबके सब मेरे ऊपर पूरा दिन बैठोगे क्या? शैडो क्लोन जुजु। अब मैं क्या करूं? हर बार पैसों से सब कुछ नहीं होता, कभी कभी चीजें खुद भी करनी पड़ती हैं। हाँ, मुझे ये खुद ही करना होगा। ये ऐसी चीज है जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी रकम नहीं खरीद सकती, इसे खुद हासिल करना पड़ता है। मैं ये पैसों से नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये खुद ही करना होगा। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। लगता है मुझसे इस बार गड़बड़ हो गई। तुम्हारी खुशी के आंसू कहीं और से ही बह रहे हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हे कुनिहिसा। हाँ? बहुत अच्छे, आज तुमने मेरी जान बचाई। नारुतो, ये समझदार अपनी ये नाकी बारिश बंद करो यार। बंदी नहीं हो रही है, तो सर से भी गया। अरे जल्दी चलो, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? अगली बार तुम मेरे घर पे निंजा खेलने आ सकते हो। हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ जरूर आऊंगा। तुमने मेरे बेटे का अच्छी तरह ख्याल रखा नारुतो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अरे कोई बात नहीं। गुड बाय लेडी सुनारे, जल्दी मिलते हैं। बाय। ये देखिए डैडी। क्या बात है बेटा? ये कैसे धूप में चमक रहा है? हर चमकती चीज सोना नहीं होती बेटे, ये बस एक मार्बल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी पैसों में कोई कीमत नहीं है, पर डैडी इसकी कीमत बहुत अलग है और इसे कभी खरीदा नहीं जा सकता।